हेलो स्टूडेंट्स नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक जिम्नोस्पर्म्स प्रायर टू दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लांट किंगडम एंड द वेरियस क्लासेस दैट इट हैज वी हैव टॉक्ड अबाउट क्रिप्टोग्राम्स एंड फिनारोग्राम्स एज बीइंग टू सब टॉपिक्स अंडर प्लांट किंगडम जो क्रिप्टोग्राम थे नॉन फ्लारिंग एंड नॉन सीड बेयरिंग प्लान्ट उसके अंदर हमने पढ़ा था थैलोफाइटर ब्रायोफाइटर और टेरिडोफाइटर के बारे में अब हम बात करने वाले हैं फनैरोम्स गैम्स के बारे में विच आर द फ्लॉरिंग एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स और इसमें है जिम्नोस्पर्म्स और इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट जिम्नोस्पर्म्स नाउ व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स दे आर द सीड बेयरिंग वेस्कुलर प्लांट्स जिम्नोस्पर्म मीन्स नेकेड सीड और ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसमें कि जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड तो दैट इज हाउ वी दैट इट इज सीड बेयर इट्स अ नेकेड सीड प्लांट विदेड सीड तो ये जो है प्रोटेक्टिव एनक्लोजर अब जो फ्लारिंग प्लांट्स हैं यानी कि जो एनजियो स्पर्म्स होते हैं उनके अंदर तो फ्लावर और फ्रूट्स रहते हैं लेकिन यहाँ पर जो सीड्स हैं वो दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द स्केल्स ऑफ कोन्स और इनमें जो मोर एडवांस्ड फर्म दे आर मोर एडवास दैन फर्मस जो कि टेरिडोफाइट्स थे बिकॉज दे डो नॉट हैव स्पोर्ट्स दे हैव सीट तो अभी तक हमने जो टेरिडोफाइट किया था अब जिम्नोस्पॉम्स में और जो इससे प्रीवियस जो क्लास थी जो हमने पढ़ी थी डेट वॉज अबाउट uh, टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा में हमने देखा था कि उसके अंदर वेस्कुलर प्लांट एंड देर द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स लेकिन उनके अंदर स्पोर्ट्स थे और जबकि जिम्नोस्पॉम्स जो हैं ये वेस्कुलर प्लांट तो हैं क्योंकि आगे जैसे एवोल्यूशन बढ़ते हैं जो पुराने एक एसेट्स आ जाते हैं दे आर टेंज बट साथ ही में कुछ नई चीज तो यहाँ पर जो नई चीज है इज़ दे दे द सीड्स सीड्स लेकिन ये जो हैं आर विदाउट एन आउटर कवरिंग यानी कि इनके बाहर फ्रूट नहीं होता है तो जिम्नोस्पर्म्स जो है इनके जो ओव्यूल्स हैं ये किसी भी ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते हैं दे रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो बिफोर फर्टिलाइजेशन अगर ओवरी वॉल नहीं है तो दैट इज हाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन नो फ्रूट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड और ये जो सीड्स हैं ये एक्सपोज रहते हैं इसीलिए बोलते हैं टॉल ट्रीज एंड श्रब्स वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जायंट रेडवुड ट्री सीक्वेया टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज के अंदर आते हैं the roots are generally roots. ये, tap roots आप देख सकते हो टैप roots होते हैं इसके अंदर roots जो है कुछ जो इनके जेनरा हैं उनकी रूट्स जो है वो फंगल एसोसिएशन में होती है यानी फंगस के साथ एसोसिएशन बनाती हैं और उसको बोला जाता है माइकोराइजा तो पाइनस जो स्पेशल ट्रीज हैं इनकी रूट्स के अंदर माईकोराइस, ये माइक्रोराइज़ा बनाती हैं विद विद इन एसोसिएशन फंगस, जबकि जो साइकस के रूट्स होती हैं, दे आर सम स्मॉल स्पेशलाइज़ रूट्स इनको बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स और ये जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होती हैं ऑब्वियसली तो अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ ये जो है, साथ की, अगर ये फंक्शन है, तो जो ये है इनकी जो स्टेम्स होती है स्पेशली जो, स्पेशल जो साइकस के अंदर जो स्टेम्स है दे आर ऑनब्रश और जो पाइनस और सेड्रस के अंदर जो स्टेम्स होती है दे आर ब्रश्ड लीव इनके सिंपल और कंपाउंड

जो जो दिखाए हैं, नीडल लाइक लीव्स होती है सर्फेस एरिया तो जो इनका थिक क्यूटिकल और संकस टोमेटा संक। स्टोमेटा मतलब नीचे की तरफ लीव के नीचे की तरफ स्टोमेटा होता है तो ये और प्लस जो इनके ऊपर एक थिक क्यूटिकल की लेयर है ये दोनों ही अडाप्टेशंस वाटर लॉस को रिड्यूस करती हैं तो ये वाटर का लॉस जो है होने नहीं देती हैं तो, तो दैट इज हाउ दे हेल्प आप देख सकते हो इसकी फर्स्ट क्लास है कॉनिफ्राफाइट है, 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 कौनिफर, है? है तो होता क्या है? कि इनके जो ये है आप देख सकते हो नीचे की ब्रांचेज जो है वो लंबी हैं और जो ऊपर की ब्रांचेज हैं वो छोटी स्मॉल इन साइज तो ये थिक होती हैं लॉन्ग होती हैं ऊपर की स्मॉल होती है इसको एक्रोपिटल ब्रांचिंग बोलते हैं और इसके जब इसके ऊपर लीव्स आती हैं तो ऑबियसली आप देख सकते हो कोन का शेप इसके ऊपर बनता है तो दैट इज हाउ दे गेट देयर नेम कॉनिफर्स एवर ग्रीन प्लांट्स होते हैं देन वी हैव साइकेडोफाइटा ये साइकेडोफाइटा का एग्जाम्पल है देन वी हैव जिंकोफाइटा तो जिंकोफाइटा जो है दे प्रोड्यूस द बैड स्मेलिंग फ्रूट्स और इनको स्पेशली जो है मेडिसिनल प्लांट्स की तरह यूज किया जाता है तो जिंको बायलोबा जो है एक प्लांट इसका बहुत कॉमन uh, प्लांट है अभी जो uh, जिम्नोस्फर्म्स हैं इनका हैबिटेट क्या है दे ऑक्यूपाई लार्ज एरियाज ऑफ अर्थ सर्फिस कैन ग्रो इन ड्राइर कंडीशन एट हाई ऑल्टीट्यूड तो आपको पता है हाइट वाले जो एरिया होते हैं वहां पर स्पेशली जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर पहाड़ों के ऊपर आप इनको देख सकते हो साइकड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड बट दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द इक्वेटोरियल रीजनस वर्ल्ड तो बात की थी कि जो लीव्स होते हैं इनके वो उनके ऊपर लेयर होती है जिससे कि वाटर लॉस रिड्यूस हो जाता है उनके अंदर एंड दे है लीव सर्फिस टू डिक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन तो ये इनके अडप्टेशन है बेसिकली जो बहुत एक्सट्रीम uh, कंडीशन के अंदर है ड्राई कंडीशन के अंदर प्लांट्स हैं ताकि वाटर उनके अंदर रिटेन हो सके नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द दैट जिम्नोस्पर्म्स दे आर हेट्रोस्पोरस अभी तक आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि जो हेट्रोस्पोरस होते हैं बेसिकली उसका मतलब है कि उनमें दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं दे प्रोड्यूस हेप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं मेल स्पोर्स होते हैं मेगास्पोर्स जो होते हैं फीमेल स्पोर्स होते हैं विच वी ऑलरेडी नो वी हैव डिस्कस दिस

तो माइक्रो जो शब्द है जहां पे भी आएगा आप ये ध्यान रख लेना तो हमने हमको पता है कि लीव्स होते हैं और लीव्स के अंदर जो स्पोरेंजिया होता है दे आर द पार्ट विच आर एक्चुअली मेकिंग द आर द स्पोरेंजिया और इनके अंदर ही स्पोरेंजिया के अंदर ही माइक्रोस्पोर्स बनते हैं विच आर द मेल गिमीट आप कह सकते हो एक तरह से और ये रहते हैं तो ये वो कहते हैं कि जो स्ट्रॉबेरी जिनके अंदर होते हैं उनको मेल स्ट्रॉबेरी कहा जाता है और ये अभी इसके अंदर एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं नेक्स्ट उसमें जा रही हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो दिस जो है ये फीमेल स्पोर्स हैं बेसिकली फीमेल कोन्स हैं और uh, हम इनकी बात करेंगे अभी लेकिन पहले मैं माइक्रोस्पोर्स को डिस्कस कर लेती हूँ तो माइक्रोस्पोर्स डेवलप एंड इनटू मेल वेल जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स this reduced gametophyte is called a pollen grain the development of pollen grain takes place within the microsporangia और इसके बाद हम बात करेंगे the cones bearing megasporophylls with ovules or megasporangia are called megasporangiate or female strobilus तो हमने अभी बात की है मेल की और हमने बात की है फीमेल की ये देखो anther दिखाया हुआ है इसके अंदर और ये इनके अंदर जो है हम देख सकते हैं।, जो हैं जिनके अंदर ये बनते हैं एनी हाउ जो ये वाला है ये फीमेल कोन है राइट right? तो फीमेल कोन जो होता है वो रहता है कि बेसिकली ये इंडिविजुअल होते हैं अलग अलग से होते हैं और हमेशा ये नीचे की तरफ ये थोड़ा सा स्लान्ट होगा क्यों क्योंकि ये बड़े साइज में होते हैं और ये स्लांट करते हैं जो मेल अः uh, होते हैं वो छोटे uh, होते हैं और ऊपर की तरफ क्लस्टर्ड होते हैं तो ये सारे जो नीचे की तरफ दिख रहे हैं आर द फीमेल द मेल और फीमेल cones, और cones or स्ट्रॉबेरी मे बी born ऑन द सेम ट्री पाइनस अ पाइनस वो एग्जांपल है जिसमें कि एक ही ट्री के ऊपर मे स्ट्रॉबेरी हम कैसे uh, जो है कॉन्स है मेल और फीमेल दोनों ही सेम ट्री के ऊपर रहते हैं लेकिन जो साइकस है

मेगा स्पोर डिमास विद इन द मेगाजियम अब यहाँ पे देखो जो माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे वहां पे जो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं बेसिकली वो चार पोलन बना देते हैं एक जो माइक्रो मदर so सेल होती है वो चार माइक्रोस्पोर्स बनाती है राइट लेकिन यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो भी चार मेगास्पोर्स बना रहा है पर उसमें से केवल एक जो होता है वो आगे डेवलप करता है बाकी तीन जो हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं और ये जो फीमेल ग्रेविटोफाइट है ये मेगास्पोर इंजिन के ऊपर ही अटैच रहता है तो दिस इज डिफरेंस फ्रॉम द ब्रायोफाइटा और जब हमने टेरिडोफाइटा किया था तो वहाँ पे हमने देखा था वो दोनों डिफरेंस अलग अलग हो जाते हैं फीमेल केमेटोफाइट है जो स्पोरोफाइटिक स्टेज से अलग हो जाता है दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं लेकिन यहां पर क्या होता है ये मेगा स्पोरेंशियम के ऊपर ही फीमेल इन इट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड फीमेलिटोफाइट डू नॉट द स्पोरशियम रिटेन ऑन द स्पोरो हमने बात की है जो पोलन ग्रेन है दैट इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम दे आर कैरिड इन द करेंट्स एंड कान कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोन ऑन द मेगा स्पोरो मैगा स्पोरो की ओपनिंग के ऊपर आके फिर ये जो है पोलन ग्रेन ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आते हैं ओव्यूल्स के साथ एंड देन द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गेमीट ग्रोज टूवर्ड्स आर की जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इन द ओव्यूल्स एंडचार्ज दियर द माउथ ऑफ दर्किकोनिया तो पोलन ट्यूब है वो क्या उसके कॉन्टेंट्स रहेंगे मेल गोलन ट्यूब ग्रो करती है टूवर्ड्स द आर्किगोनिया और फिर उसके माउथ पे जाके वो मेल गेमीट्स को डिस्चार्ज कर देती है फॉलोइंग द फर्टिलाईजेशन जयगो डेवलप्स यानी कि जब फ्यूज कर जाता है मेल गेमीट और फीमेल गैमीट तो जायगोड बनता है और वो जयगो फिलेलप करता है इन टू एन एम्ब्रियो और जो अव्यूल्स uh, होते हैं वो सीड बनाते हैं दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड क्योंकि हमने अभी इससे पहले बात की थी कि जो सीड्स हैं उनके ऊपर क्या चीज नहीं होती है उनके ऊपर बेसिकली ओवरी वॉल नहीं होती तो जब ओवरी वॉल ही नहीं होती ओव्यूल के ऊपर तो ऑब्वियसली देर इज नथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू फ्रूट इसलिए जो सीड है वो नेकेड रहता है अब यहाँ पे आप देख लो ये कौनस हैं ये दिखाया है उन्होंने जो मेल कौन बेसिकली दिखाया रखा है फीमेल कौन दिखा रखा है देन वी कैन सी हेयर कि जो ये आप देख सकते हो जो वुडी फीमेल स्ट्रोबिलस है उसके ऊपर किस तरह से ये सेंट्रल स्टेम होता है ठीक है ना दिस इज द सेंट्रल स्टेम और ये सेंट्रल स्टेम के ऊपर ये हैं वुडी गुड स्केल्स हैं इनके ऊपर आकर बेसिकली जो पोलन होता है फिर फाइनली वो इसके ऊपर Uh, रहता है तो ये जो इसके ब्रैक्ट uh, इसको बोलते हैं स्केल्स बोलते हैं बेसिकली अगर जब पोलन है पोलन क्या लाइट होते हैं अब वो विंड के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो वो वहाँ आकर कहीं पे उनको अटकना है तो वो इन जो ब्रैक्ट स्केल्स होते हैं इनकी वजह से यहाँ पर आकर देखो ये सीड्स के स्केल है एंड दिस इज द बेसिकली द जो ब्रैक्ट स्केल है ये पोलन ग्रेन को एक तरह से वहाँ रिटेन करके राइट right, तो ये रिमेन्स ऑफ ब्लैक स्केल आप देख सकते हो जो पोलिनेशन हुई यहाँ पर और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वो वहाँ रिटेन रह है जाते हैं तो रीकैप कर लेते हैं कि जो हमने अभी किया है बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं दे आर द नॉन फ्लावरिंग सीड बियरिंग प्लांट्स राइट तो जो इनके सीड्स होते हैं वो नेकेड सीड्स होते हैं और इसमें कितनी तरह के हैं कॉनिफर्स हैं जिसके अंदर पाइनस है साइक्लोडल्स है साइकस है उसके अंदर जेनेटियल्स होते हैं और जिंको ग्स होते हैं इसमें जिंकोबा बायलोबा आता है राइट और जिंको बायलोबा को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है अब लिविंग फॉसिल क्यों कहते हैं अब कितना कंट्रास्टिंग चीज़ है एक तरफ हम फॉसिल कह रहे हैं फॉसिल तो जो बहुत पहले कोई डेड चीज़ होती है उसको बोलते हैं और लिविंग भी कह रहे हैं तो बेसिक कोई भी प्लांट एनिमल जो लिविंग हो लेकिन किसी फॉसिल की तरह बेहव करे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे हों तो उसको हम लिविंग फॉसिल कह देते हैं राइट right? तो अब यहाँ पे हमने जो पायनस के अंदर देखा कि अगर हम पायनस का पढ़ते हैं तो बेसिकली बेसिकलीमोनीशियस है यानी कि जो मेल और फीमेल हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो सेम प्लांट पे रहते हैं इसकी जो रूट्स हैं वो हमने बात की थी माइक्रोराइजर होता है क्योंकि वो बेसिकली दे आर इन एसोसिएशन विद फंगस और इसकी जो स्टेम होती है दैट इज लॉन्ग शूट जिसका टर्मिनल बर्ड होता है इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ रहती है प्लस इसके अंदर डॉफ शूट्स होते हैं जिसपे देर इज नो बर्ड एट द टेप राइट और इसके लीव्स जो होते हैं वो स्केली लीव्स होते हैं इट हैज कॉट स्पोरोफिल्स और जिनको हम बेसिकली कह देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स और जो माइक्रोस्पोरो होती हैं वही जब कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाती है तो उसको कौन या स्ट्रॉबेली कहते हैं सो दिस इज ऑल Uh, ये कौन शेप की जो डिस्क्रिप्शन है बेसिकली हमने बात की थी अभी पहले कि अगर नीचे की जो ब्रांचेस uh, हैं वो लॉन्ग हैं और ऊपर की छोटी होती हैं तो उसके ऊपर जब लीव्स आते हैं तो दे टेक द शेप ऑफ द कोन और ब्रांचिंग जो है इसको एक््रोपिटल ब्रांचिंग बोलते हैं राइट right? तो ये इनके ऊपर कौनस हैं जो मेल कॉन्स होते हैं ऊपर क्लस्टर वो हमेशा टिप पे होते हैं नॉर्मली पैनस के अंदर और क्लस्टर के अंदर होते हैं जो कि जबकि फीमेल कौनस जो होते हैं वो बड़े साइज में होते हैं एज कम्पेयर टू मेल कॉन्स और वो इंडिविजुअली दे कैन बी सीन प्लस वो नॉर्मली इनका साइज बड़ा होता है इसलिए थोड़ा सा नीचे की तरफ वो स्लांटिंग होते हैं देन टॉक अबाउट द मेल कोन स्ट्रॉबेरी जो है ग्रो इन क्लस्टर्स एट द टिप ऑफ लॉन्ग शूट तो ये आप देख सकते हो और ये इसके अंदर uh, जो बेसिकली स्ट्रॉबेरी हैं और इनका अगर हम देखें तो एक बीच में एक्सेस होता है अगर इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखा जाए और उसके साइड पे माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं स्पोरोफिल्स आपको पता है लीव्स होती हैं जो कर्व्ड होती हैं बेंड होती हैं तो ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं ये इसके साइड पे और अगर हम इसको और पास से देखते हैं तो इनके अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजियम रहते हैं यू कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम और इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जैसे अगर इसको हम ये फ्लैट एंड कहते हैं ना अगर इसको मैं मान लूँ कि इस तरह से अगर हम देखें तो इसके ऊपर की साइड पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें दो स्पोरजियम नज़र आ सकते हैं राइट तो ये इस वाली मतलब ये जो ऊपर का साइड है यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका जो इलाज व्यू है यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम मदर इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं वो ही मे के बाद रिडक्शन डिवीजन के बाद फोर माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं विच आर एक्चुअली द पोलन ग्रीनस और ये विंग्ड ग्रेन्स होते हैं आपने पोलिनेशन जब पढ़ा था क्लास टेन में तब भी आपने देखा था क्योंकि ये एनिमोफिलस हैं यानी कि ये इनकी पोलिनेशन विंड से हो रही है और जिन पोलन ग्रेन की पोलिनेशन विंड से होती है दे नॉर्मली हैव द विंग्स तो ये आप देख सकते हो मेल मेलकोन्स हैं जो कि यू कैन सी ही और ये बेसिकली पाइनस के हैं तो आप देखो ये क्लस्टर्स के अंदर हैं ऊपर की तरफ है ना राइट right? तो क्लस्टर में है मेलकोन्स देन वी गो ऑन टू द फीमेल कौन ऑफ द पायनस ये लार्जर देन द मेल कॉन होता है जब ने बात की इसमें भी बीच में एक सेंट्रल एक्सेस होता है उसके साइड पर लीवस होती हैं इनको मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं और मेगास्पोरोफिल्स का अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये ब्लैक स्केल है क्योंकि जो पोलन ग्रेन है हम पहले ही बात करे थे अब वो विंग्ड है तो उसको वो आके कहीं अटकना चाहिए तो ये पोजिशन रहती है जहाँ पर वो अटक जाता है जाके तो ये बेसिकली जो हमारे होते हैं इसके अंदर भी मैगस है और ये ऑन्थोट्रोपस है और यूनिट टेगुमेंटस है क्योंकि इसके अंदर एक टेगुमेंट ही होती है तो ये ओव्यूल है ये जो है और ओव्यूल के अंदर आप ये एग देख सकते हो राइट एंड देन वी हैव द तो यहीं पे आके जब मेल के मीच आता है तो यहीं आके उसका फ्यूजन होता है बेसिकली और जायकोड बनता है मेल के मीच आया ये एग है और जायकोड बना और ये फर्दर देन डेवलप्स इन टू एमब्रे और इस सीड फॉर्म में आ जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन सो हेयर यू कैन सी दीज आर द फीमेल हम कह रहे थे ना थोड़े नीचे को झुके होते हैं और सिंगुलर हैं आप उनको आराम से देख सकते हो और इनकी ब्रैक्ट्स जिनकी हम ये बात कर रहे थे बेसिकली तो ये आ जाएगा ये पायनस के ही आ, ये मेल कौन, सा ये कौन सा right? से आ गए ये फीमेल कौन से आ गए राइट इनके अंदर ब्रैक्ट्स हैं जहाँ पर जाकर पोलन ग्रेन अटक जाते हैं सो दिस इज मेल गेमिटोफाइट uh, और उसमें से पोलन ग्रेन निकले एंड देन ये जो फीमेल हैं ये फीमेल के ब्रैक्स हैं बेसिकली यहाँ पे गेमिटोफाइट के ऊपर जाकर जब पोलन जाता है तो ये दिस इज ओव्यूल यू कैन सी फीमेल गेमिटोफाइट और ओव्यूल ये पोलन ग्रेन यहाँ आएगा फर्टिलाइजेशन होगी और फिर ये जो है जयकोट बनेगा तो दैट वील ग्रोइंग टू एन एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसका ये सीड्स हैं आप देख सकते हो इसके जो सीड्स बनते हैं फाइनली तो जिनकी हम बात कर रहे हैं और क्योंकि इनके बाहर कोई जो फीमेल गेमी जो है या ओव्यूल है इसके बाहर कोई ओवरी नहीं है सो देर इज़ नो फ्रूट फॉर्म्ड तो ये आप इसके सीड्स देख सकते हो दीज आर ऑल द विंग सीड्स जो हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर विंग्ड सीड्स होते हैं तो बेसिकली विंग जो पोलन है ये आप वो देख सकते हैं विंग सीड्स देख सकते हैं आप नै वी मूव ऑन टू द

कॉनिफर्स जो हैं दे आर फीचर्ड इन गार्डन और एक डेकोरेटिव ट्रीज हो जाते हैं ये जुनेब आर लो ग्रोइंग श्रब्स एंड आर कल टू कवर ग्राउंड कॉनिफर्स आर अफेक्टिव देन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो है दैट इज दे आर मेजर सोर्स ऑफ लंबर पेपर पल्ब टर्पेंटाइन एंड रेजिज दे आर यूज फ्यूल दे आर मेजर सोर्स ऑफ वर्ल्स चेम्बर दे आर यूज एज मेडिस जो हमने बात की थी जिंको की और देन सोर्स ऑफ फूड विच आर द पाइनट्स और जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स आर वाइडली यूज एज ऑर्नामेंट्स तो ये सारे जो हैं ये आर इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंसेज ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स और ये क्वेश्चन um, बहुत अक्सर पूछा जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट जिमनोसपर्म्स थैंक यू